बीते दिनों से कोरोना महामारी को लेकर देश में लॉकडाउन जारी है। जिले में हजारों ऐसे परिवार हैं जिनका पेट भी सही तरीके से नहीं भर रहा है। इस आपात की घड़ी में मुजफ्फरपुर के बेरोजगार युवकों के द्वारा अनोखी पहल की गई है। जिले के कई क्षेत्र में घूम घूम कर भूखे परिवार को खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। इस दौरान इस वितरण का नेतृत्व कर रहे शुभम नारायण ने बताया कि इस विपत्ति की घड़ी में हम लोगों ने अपने पैकेट खर्च को बचाकर अपने साथियों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बीते दो दिनों से खाद्य सामग्री का वितरण जरूरतमंद और गरीब परिवारों के बीच उनके घर तक जाकर कर रहे हैं, ताकि कोई भी लोगों को खाने के लाले ना पड़े। आपको आलू है, प्याज है, दाल है, चावल है, सोयाबीन हुई और आपको आटा हुआ, बिस्किट हुआ, नमक हुआ है। लगभग 10 तरीके का वितरण करने का सामान है। अच्छा, पहले तू लोग ऐसे ही घूमते थे, किस तरह के विचार इस मन में कैसे आया? मन में इसलिए आया कि आपका वीडियो सब देखते रहे मीडिया पे कंटिन्यू, कितना गरीब सब बेसहारा भूखे मर रहा है, इसलिए मन में आया कि थोड़ा हम लोग भी कुछ करें। इसलिए हम लोग 5 भाई 10 भाई मिल के सोचे कि अगर 10 भाई मिल करके अगर 100 परिवार को भी अगर पैसा कहाँ से है, बस अपने अपने पॉकेट मनी से, अच्छा, अपने अपने गार्जियन के सहयोग से, अपने अपने पास से, जो हमारा पॉकेट मनी था, जो हमारा पैसा था। कोई बैनर उनर भी है? बैनर नहीं है, हम लोग किसी दल से नहीं है, और ना ही हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। अच्छा, बस हम लोग चाह रहे हैं कि एक इंसान ही एक इंसान के क्या नाम जरूरी पे काम आता है। मेरा नाम शुभम नारायण हुआ। मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताजा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।